गाइस वेलकम बैक। अभी मैं जा रही हूँ आर्ट गैलरी में, तो मैंने कहा आर्ट गैलरी भी देखती हूँ, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी देखनी चाहिए ना, बहुत वॉक हो गया। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ, खुद भी देखती हूँ, तो अंदर चलते हैं। तो मेरे चैनल के साथ बने रहो, जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन के बटन दबाना मत भूलिएगा। तो लेट्स गो। सो गाइस, जैसे ही हम अंदर आते हैं, इतने खूबसूरत, ये देखें दरवाज़ा लगा हुआ था, इसको इतना पुश करना मुश्किल था, तौबा तौबा। और ये देखें यार, जस्ट आर्ट चेक करें, बहुत खूबसूरत आर्ट। हम अंदर जा रहे हैं और ये देखिए, बुक शॉप टाइप कुछ लग रही है जी, ये बुक शॉप ही है। तो यहाँ डिफरेंट बुक्स भी पड़ी हुई हैं और बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आई थिंक सो दिस इज पोस्ट कार्ड। देखिए कितने ज़बरदस्त पोस्ट कार्ड हैं, ओल्ड पिक्चर्स बनी हुई हैं और ये इनके जीसस हैं, मतलब हज़रत ईसा बनाए हुए हैं। सो गाइस, ये देखिए शर्ट्स भी पड़ी हैं और ये देखिए कितने ज़बरदस्त आर्टिस्टिक बटन पड़े हैं। तो ये शॉप ही है, जैसे म्यूज़ियम में थी इसी तरह यहीं भी थी। मैंने पहले तो इसको ये समझा कि ये भी कोई आर्ट का हिस्सा है, लेकिन नो, ये भी शॉप थी। अंदर लोग परचेजिंग कर रहे हैं और ये देखें, बुक भी पड़ी है और परफ्यूम्स भी पड़े हैं, बस ऊपर आर्ट का वर्क हुआ हुआ है। और अभी तो अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि आर्ट है क्या और वैसे यहाँ की आर्ट है कैसी, जो मतलब समझ आने वाली है, जो समझ नहीं आने वाली। और ये देखें यार, चेक करें यार, पेंटिंग बहुत ज़बरदस्त इनके ऊपर की गई है। अब एक एक चीज़ दिखाने बैठी ना तो वो व्लॉग बहुत लंबा हो जाना, इसलिए जल्दी जल्दी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो बस आप ऐसे ही देखते जाएं, ऐसे ही, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ये कोई स्टूडियो रूम है। अच्छा, ये लर्निंग स्टूडियो है। तो खैर, यहाँ से निकलते हैं और अब चलते हैं आर्ट गैलरी की तरफ। तो ये देख सकते हैं, वो लोग वहाँ ऊपर भी जा रहे हैं। मैं खैर मेरे ख्याल से होकर आई हूँ। गाइस, अभी हम आर्ट गैलरी में जा रहे हैं। इधर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पेंटिंग्स है। तो कौन कौन सी पेंटिंग्स है मैं आपको दिखाती हूँ, म्यूट होकर दिखाती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग ना, दिस इज़ पेंटिंग्स। मेरे अकॉर्डिंग ये पेंटिंग्स होती हैं जो समझ आ रही हो। तो गाइस, ये साथ लिखा भी हुआ है, जिसने बनाया है उसका नाम भी लिखा हुआ है। गाइस, वाकई दिस इज़ आर्ट। अच्छा, इसमें हिस्टोरिकल ये आर्ट है, जैसे म्यूज़ियम था कि इसमें अपनी इन्होंने हिस्ट्री बताई हुई है। और बहुत खूबसूरत समझ आने वाली आर्ट है, वो वाली आर्ट नहीं है जो समझ ही नहीं आती, बीच में कांटे मारे होते हैं, नो वे। अच्छा, समझ आने वाली आर्ट है और इसमें समझ आ रही है कि आखिर ये बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त, मैं आपको सरसरी सी इनकी पेंटिंग्स दिखा रही हूँ। बहुत अच्छी पेंटिंग्स हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग्स हैं और क्लैरिटी है, और जिसने पेंट किए हैं उसकी भी क्या बात है। और साथ हिस्ट्री तक लिख कर बताया हुआ है कि ये इस ज़माने में ऐसा हुआ करता था, ये हुआ करता था। तो यार, मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने काफ़ी इंजॉय किया है इसको देख रही हूँ, तो काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। और आप लोग भी आएँ तो यहाँ आएँ, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। अब इस तरह से दिखाने से मुझे ऐसे नहीं वो चीज़ दिखा सकती जो मैं फील कर रही हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। सो गाइस, अभी हम ऊपर जा रहे हैं, बहुत अच्छी पिक्चर्स थी। अब यार, मेरे अकॉर्डिंग दिस इज़ आर्ट। मैं खुद भी सुकून से देख रही हूँ, थोड़ी सी रिकॉर्ड करती हूँ, गाइस खुद देखती हूँ। तो अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर क्या चीज़ है। गाइज, ये जस्ट चेक करें, वाओ ज़बरदस्त यार, ये जो इन्होंने कहा, इस पर बंदे की मुंडी किधर है और एक घोड़े की टांग भी नहीं है। खैर, ये भी इनका आर्ट ही होगा, लेकिन बहुत अच्छा आर्ट है। वो देखें सामने, या तो फिर टूट के गिर गई होगी, काफ़ी पुरानी आर्ट गैलरी है। तो खैर, वो देखें ऊपर भी इन्होंने बहुत अच्छा आर्ट वर्क किया हुआ। अभी हम एग्जीबिशन में दाखिल हो रहे हैं, तो चलते हैं अंदर। अच्छा, ये वाली पहले तो मुझे ना, ये मैं आपको पहले दिखाती हूँ ये सारा, लेकिन ये है कि पहले मुझे ये जो एग्जीबिशन है, ये वाली, ये समझ नहीं आ रही। लेकिन अभी जब मैंने इसको गौर से देखा है, तो देन मुझे ये समझ आ रही है कि ये क्या है। तो ये ऐसी पेंटिंग बिल्कुल भी नहीं है जो समझ ना आए, लेकिन समझ आने वाली है। ये देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। तो खैर, मैं ये सरसरी से इसके ऊपर ऐसे ही लगा कर आपको मैं दिखा रही हूँ साथ साथ। ये
देखें गाइस क्या बना हुआ है, ये ऊपर गुलदान टाइप का बना हुआ है और नीचे कप से इसको खड़ा किया हुआ है। वाओ व्हाट आर्ट। इसका वैसे लॉजिक क्या होगी, आप लोगों को समझ आ रही है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कप्स के साथ ऊपर वो फिर बनाया हुआ है कि वो कप का बिग बॉस है। तो ये वाला चेक करें यार। ये अभी हम जिस रूम में आए हैं यहाँ ये सारी पिक्चर उनकी पड़ी हैं जिनका मेरे ख्याल से इस आर्ट में अहम किरदार है, इस बिल्डिंग को बनाने में या इसमें जो भी कंट्रीब्यूशन हुई है उसमें अहम किरदार है। लेकिन हर चीज़ बहुत खूबसूरत है और पूरी हिस्टोरिकल है और मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और ये देखें, ये एक बहुत ओल्ड डिश चेयर पड़ी है और ये बहुत पुरानी है। तो खैर मैं आपको ये एक चीज़ बताऊंगी कि यहाँ फ्री है यार, यहाँ फ्री है सब कुछ। और हमारे यहाँ हर चीज़ पे टिकट लगाया जाता है, वाई वाई, जहाँ कुछ भी नहीं सीख सकते। यहाँ के स्टूडेंट सीखते हैं, सब कुछ फ्री है। अपनी मर्ज़ी से अगर डालना चाहते हो तो वो डोनेशन है, दिस इज़ डोनेशन। तो ये देखिए, ये मेरे ख्याल से इनके हज़रत ईसा इन्होंने बनाए हुए थे। और ये वाला काम चेक करें यार, और ये बर्तन चेक करें कितने खूबसूरत, इसके ऊपर आर्ट वर्क हुआ हुआ है, बहुत खूबसूरत आर्ट वर्क हुआ हुआ है। तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं इस चीज़ को कितना इन्जॉय कर सकती हूँ। आई डू नॉट एक्सप्लेन यू कि ये क्या है, क्या है जो असल में देखने में एक सुकून है, मज़ा है, वो क्या चीज़ है। लेकिन हद हो गई है, मतलब एंड है, एंड एंड लेवल है, बहुत खूबसूरत। अपनी तो इन्होंने हिस्ट्री बयान की है ना यार, लेवल है। अभी हम दूसरे डिपार्टमेंट में आए।
देखें यार गाइस, मैं सीरियसली यहाँ कहूँगी कि यहाँ नॉलेज है और फ्री नॉलेज है, जो कि हमारे मुल्क में भी होना चाहिए। हर चीज़ पे टिकट, हर हिस्टोरिकल जहाँ स्टूडेंट सीखने आते हैं वहाँ वो टिकट डे के अंदर जाके वो देखते हैं। आप वीडियो नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि फिर वो देखी हुई चीज़ का टिकट कौन ख़रीद के आएगा। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया है, मैंने बहुत इन्जॉय किया है, बहुत अच्छा आर्ट था, जिसको कहते हैं ना आर्ट, तो दिस इज़ आर्ट, तो मैंने बहुत इन्जॉय किया है। नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और इधर ऊंचा बोलना मना, मैं फिर भी बोल रही हूँ, तो मुझे बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा। सो अल्लाह हाफिज़।